गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 सॉइल मिट्टी। टुडे टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल मे बी ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर डीप और मे एक्सटेंड सेवरल मीटर डाउन टू द रॉक बिलो। मिट्टी पृथ्वी पर चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी फैली होती है, लेकिन मिट्टी की परत कहीं तो कुछ सेंटीमीटर गहरी होती है और कहीं कुछ मीटर गहरी मिट्टी होती है और उसके नीचे चट्टाने होती हैं। हाउएवर डीप इट मे बी अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉयल शोज डिफरेंट लेयर। जब हम इसे गहराई तक इसकी देखेंगे तो हमें अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। दे आर डिफरेंट इन कलर, डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल एंड टेक्सचर। इसमें अलग अलग रंग की मिट्टी होती है, अलग अलग रंग की परत होती है और इसमें मिट्टी के कणों का आकार भी अलग अलग होता है और वे अलग होती हैं। दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इसे ही सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। दे आर नोन एज इंग्लिश लेटर्स ओ ए बी सी आर। दिस इज हॉरिजॉन्स, डिफरेंट हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल। ये अलग अलग क्षेत्र हैं। मेन इज ए बी एंड सी। जो रीजन ए बी और सी होता है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओ लेयर इज फाइंड ओनली इन सम रीजन्स और ओरिजोन इज द टॉप सॉयल। इट इज ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉयल। इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ लीफ लीटर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये कार्बनिक पदार्थ होता है, सड़ी गली पत्तियों से, पशु पक्षियों के सड़ने के से ही ये बनता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। इसे ह्यूमस कहते हैं। दिस गिव्स ए सॉइल ए डार्क कलर। ह्यूमस से मिट्टी को काला भूरापन मिलता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह मिट्टी को पोषक तत्व देता है और पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक है। द नेक्स्ट इज ए ओरिजोन। दिस लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल। इसे सबसे ऊपर की टॉप सॉइल कहते हैं। इसीलिए खेत में जो ऊपर की मिट्टी की परत है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम मेड बनाते हैं खेत के चारों ओर, ताकि ऊपर की उपजाऊ मिट्टी वर्षा में या हवा में ना बह पाए। दिस इज कॉल्ड टॉप सॉयल। इट इज फाउंड बिलो द ओ होरिजन एंड अबव बी होरिजन। ये ओ के नीचे और बी के ऊपर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल। इसमें महीन कण होते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड कैन होल्ड वाटर। इसमें हवा भी उपस्थित रहती है, यह मुलायम होती है और पानी को रोक सकती है। मोस्ट सीड जर्मिनेट एंड प्लांट रूट ग्रो इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में बीज अंकुरित होते हैं और पेड़ पौधे उगते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ह्यूमस मिक्स्ड विद मिनरल पार्टिकल। इसमें मिनरल्स के बीच में, मिट्टी के बीच में ह्यूमस मिला रहता है। नेक्स्ट लेवल इज बी होरिजोन। बी होरिजोन में दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सब सॉयल। इसमें भी मिट्टी की परत होती है। इट कंटेन्स क्ले एंड हैज ए रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल। इसमें चिकनी मिट्टी भी होती है और खनिज तत्व भी होते हैं। इट रिसीव अ रिच मिनरल कॉन्टैक्ट फ्रॉम लेयर अबव इट। इसमें ऊपर की मिट्टी की अपेक्षा अधिक मिनरल्स होते हैं और इसमें पानी भी रुका रहता है। इट आल्सो कंटेन्स कॉम्पैक्ट
fine particle of soil. इसमें भी मिट्टी के महीन कण होते हैं. It has been observed that roots of plants reach only up to this layer. पौधे की जो जड़ें हैं वो और से होकर A और B तक दो लेयर तक ही तीन लेयर तक ही आती है, इससे नीचे नहीं आ पाती है. नेक्स्ट लेवल इज सी होरिजोन. सी होरिजोन इज आल्सो कॉल्ड रेगोलिथ. ये बी और आर के बीच में होता है. दिस लेयर ऑफ सॉयल कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली ब्रोकन अप पार्टिकल ऑफ पेरेंट रॉक. इसमें नीचे की चट्टान के टुकड़े होते हैं. इसमें पथरीली जमीन और मिट्टी पत्थर सब मिले हुए होते हैं. इसमें पेरेंट रॉक की लेयर इसके नीचे होती है. इस लेयर में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, कोई कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस वगैरह नहीं होता, इसलिए ये उपजाऊ नहीं होती. द लास्ट लेयर इज आर होरिजोन. आर होरिजोन दिस लेयर इज बेनेथ ऑल द अदर लेयर. यह सबसे नीचे की परत है. इस लेयर में पेरेंट रॉक बड़ी छोटी चट्टाने ही होती हैं, कोई महीन मिट्टी नहीं होती. सो दिस सॉयल प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स. इसलिए सॉयल प्रोफाइल फार्मर्स के लिए जरूरी होती है, क्योंकि सॉयल के अकॉर्डिंग ही वहां देखकर कि किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की वहां, उसी अनुसार खेत में बीज बोया जाता है, उसी तरह की फसल उगाई जाती है. सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ध्यान से चैप्टर पढ़िए और अपने पीरियोडिक टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए. चैप्टर 7 और 8 आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको रिवाइज करना है. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.